अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको गोश्त और आलू और गोश्त बनाना की रेसिपी दिखा रही हूँ। गाइस, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्याज एक अदद और आलू हाँ एक अदद, उसके साथ जो है गोश्त जो है एक किलो हो या आधा किलो हो तो एक अदद हाँ आलू छान डालना चाहिए और एक अदद प्याज डालना चाहिए। अगर दो किलो हैं तो दो अदद प्याज डालना चाहिए, ऐड करने चाहिए। अभी मैं ये तो काफ़ी पक गया है और पानी भी खुश्क हो गया है, मैं तब तक के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। ठीक है, मैं फिर भी ऐड कर रही हूँ एक अदद शलजम और एक अदद हरी मिर्च। अभी मैं ऐड करूँगी टमाटर, क्योंकि टमाटर मैं पहले कभी डालते हैं नहीं और डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि जायका चेंज हो जाता है सालन का, फिर कहते हैं सालन अच्छा नहीं बना। जितना हो सके कि इसको कोशिश करें पानी जब तक खुश्क हो जाए फिर मसाले और डालने चाहिए। अभी देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल मसाला भी पानी खुश्क हो गया है और मैंने ऐड सिर्फ लाल मिर्च इसलिए किया है और एक चम्मच मुझे नमक ऐड करना है। और मैं ऐड कर रही हूँ हरी धनिया, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी की एक चम्मच, मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और लाल मिर्च भी ऐड कर दिया है, हरी धनिया भी और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब ये मैं देसी घी बना रही थी, मैंने आपको नहीं दिखाया। प्लीज़ गाइस शेयर करना मत भूलें और लाइक करना मत भूलें, कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स देने से और नहीं देखने से ये फ़ायदा होता है कि हमको हौसला अफज़ाई हो जाते हैं और हम खुश भी हो जाते हैं और हमारी कोशिश और भी होती है कि अच्छी चीज़ बनाएं, नई नई चीज़ बनाएं। पाँच मिनट के लिए हम छोड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तब तक हम ब्रेक ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल रेडी होने वाला है। आलू को चेक करना होता है, गाइस मैं आलू को चेक करना चाहती हूँ कि इसमें लगाए बिल्कुल काफ़ी पक गया है। अभी दो मिनट के लिए फिर भी छोड़ना है।
अभी मैं ऐड करूँगी साबित गरम मसाला डाला था, अभी मैं ऐड करना चाहती हूँ ब्लैक पेपर। आपको मैंने पहले भी बताया था ब्लैक पेपर मैं ज़्यादा सालन इस्तेमाल करती हूँ, कढ़ाई गोश्त वगैरह मैं नहीं ऐड करती ना ही मैं को खाती हूँ। और फूटी हुई गर्म मसाला वो भी थोड़ी सी चुटकी डालती हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लजीज आ रही है। तब तक मैं ब्रेक ले रही हूँ 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी रेडी हो गया है। अब हमें इसको जितना भूनेंगे उतना अच्छा जायका निकलेगा। बिल्कुल आलू भी अच्छे गल गए हैं। बिल्कुल रेडी हो गया है सालन, आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह। गाइस अगर जिसको मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज कमेंट देकर बताएं और लाइक भी करें, शेयर ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए हम दोबारा रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो गया है गाइस, आप देख सकते हैं गोश्त बकरे का गोश्त और आलू के साथ मैंने रेसिपी बनाई थी। आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें।